खतरे की विषय। एक पत्र हम अग्रवाल जी के यहाँ रुके हैं तो वहां कोई देकर गया था, तो हमने पत्र यहाँ पर भेजा था। अगर होगा यहाँ पहुंचे होंगे पत्र तो हम ये रहा। खतरे के निशान पर देखिए श्रीमती कुमारी देवांगन पति श्री जीवन रमन देवांगन बेटा सोनू देवांगन नगर खरोरा, ठीक है मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं अगर कहीं बैठे हो। श्रीमती कुमारी देवांगन पति श्री जीवराम देवांगन देवांग खरोरा, मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। ये खरोरा की रहने वाली, आज तक मैं सुनती थी कि शंकर की कथा सुनने वाले को कांटा भी नहीं लगता, ये मैंने केवल सुना था, आज तक मैंने ये कभी देखा नहीं था। लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा में एक बार दिल तो लगाओ, बाबा उसका नजारा जरूर दिखाता। बस सुनती थी, ऐसा सुना था, पर कभी मैंने टीवी पर भी नहीं देखा। लोगों के कहने पर मैंने 2 महीने पहले शिवजी की कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी और इतना विश्वास जागृत हो गया कि अब शंकर जी जो करेंगे वो करेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, मेरा छोटा बेटा सोनू बाइक से गिरा तो उसके पेट में चोट लग गई, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा, उसको हॉस्पिटल ले गए। अंदर पेट की जो खून की थैली थी वो फट गई। हॉस्पिटल में जब तक हम पहुंचे तो डॉक्टर ने उसके चेहरे पर सफेद चादर डाल दी थी। चेकअप कर बता दिया कि इसके सांसें बंद हो गई हैं, इसका पोस्टमार्टम के लिए आप इसको ले जाइए। पोस्टमार्टम का कागज पर सिग्नेचर करवा लिया। गुरुदेव मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। शंकर जी से कहा कि दुनिया के लोग कहते थे कि तेरी कथा टीवी पर भी सुन लेना कोई तो तू वहां बैठे बैठे भी कल्याण कर देता है। माना मैंने जिंदगी भर शिव मंदिर नहीं गई पर 2 महीने तो गई हूं ना, उस 2 महीने का तू मुझे फल नहीं देगा। मेरा बेटा मर गया है, उसका पोस्टमार्टम होने जा रहा है, बाबा कुछ करुणा करो ना। गुरुदेव बस बेटे का पांव पकड़कर मैंने खींचा था और डॉक्टर ने देखा कि बेटे की सांस चल गई और उसकी सांस वापस आ गई। उसका ऑपरेशन हुआ, खतरे के निशान से बाहर हुआ, 22 दिन हॉस्पिटल में रहा और मेरा बेटा आज पंडाल में भी आया है, मैं नमन करूंगा। ये शिव तत्व है, औघड़ी है। सफेद कपड़ा डाल दिया गया, पोस्टमार्टम के कागज पर सिग्नेचर हो गए, पोस्टमार्टम की तैयारी हो गई। खतरे के निशान पर नदी पहुंच गई, खतरे के निशान। गांव खाली कर दीजिए, सरकार कहती है आसपास के गांव खाली करवा दो। हम कहते हैं जब बहुत विषम परिस्थिति में पड़ गए डॉक्टर अपना काम करे। आपने अगर जिंदगी में टीवी पर मोबाइल पर पंडाल में कहीं बैठकर भी शिव महापुराण की कथा सुनी है और एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, तुम्हारा वो चढ़ाया जल कब काम आएगा तुम भी नहीं समझ पाओगे। किस जगह पर काम आ जाएगा वो, किस स्थान। जब आप अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की ओर छोड़ देते हो, जब आपका संपूर्ण जीवन
दामिनी यादव ओडिशा कटामबाजी है, आप लोग समझ गए ना, क्वाटा भाजी। अच्छा ठीक है ना, कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाइएगा जहां कहीं बैठी हूँ, आप ही हैं। हाँ जी हाथ हिला लो सर, ठीक है, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, एक बार वापिस, ठीक है। कामिनी यादव ओडिशा पटाबाजी से आई हूँ, गुरुदेव एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ, मेरी छोटी बेटी को कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने बताया कि गले में कैंसर है और पूरा घर चिंता में आ गया। रायपुर में उसका इलाज हुआ, संजीवनी हॉस्पिटल में इलाज करवाया, कैंसर में कोई आराम नहीं लगा। तब किसी ने कहा कि सीवर वाला महाराज दोपहर में कथा करता है, टीवी पर आती है, जरा सुनो, उसमें कुछ ना कुछ बताए। उस दिन कथा में कुछ नहीं बताया, बस सारी समस्या का हल एक लोटा जल बताया। हमने वो जल चढ़ाना प्रारंभ करा, दवाई चलती रही, डॉक्टर ने कहा गले का कैंसर है, ये रहे। गुरुदेव आपने कथा में कह दिया कि भगवान के भरोसे रहो, ना घर के भरोसे ना परिवार। अब हमने सोच लिया हमारी छोटी बेटी को हमने हमारा नहीं माना और शिव जी के भरोसे कर दिया, बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें। गुरुदेव जल चढ़ाते बेटी को देते, बेलपत्र लाते बेटी को देते। जिस शिवलिंग की धार कैसी होना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उस पे सांप बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो नंदी बनाए कि ना बनाए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो गणेश जी बनाए कि ना बनाए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो हमें बेलपत्र कैसी रखना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद बेलपत्र को चावल के दाने कैसे लगाना चाहिए, ये सब हम 10 तारीख से 14 तारीख वाली कथा में सुनेंगे। तो इन्होंने जो वर्णन करा पार्थिव शिवलिंग का, उस पर चढ़ाना, 9-15 वाली पूजन करना, बाबा शिव जी पे चढ़ा हुआ जल ले जाकर हम उनको होठ पर गीला कपड़ा से पोंछ देते थे, क्योंकि थोड़ी देर ही तो वेंटिलेटर वालों को मिलने देते थे। बाबा शिव का हम क्या गुणगान करें, एक बेलपत्र ले जाकर हमने उनके पलंग पर रख दी और बाबा की कृपा ऐसी हुई, उनको आराम लगना प्रारंभ हुआ और उनकी लीवर किडनी ठीक होने लगी, डायलिसिस बंद हो गया और हमारे पति मौत के मुंह से बाहर आ गए। मैं सारी जांचें लगाकर भेज रही हूं गुरुदेव, पूरे जांचें उन्होंने इसमें लगाई हैं, आप एक एक जांच का पूरी जांचें किडनी लीवर की जितनी भी जांच होती है सब लगाकर भेज रही हूं। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी लिखी, आज मेरे घर के बच्चे के साथ मैंने ये पत्र भेजा। गुरुदेव बाबा ने डायलिसिस से भी ठीक कर दिया और उनकी लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर दी। ये शिव भक्ति है, ये शंकर की उपासना, ये शंकर की कृपा, ये उसकी उधार। यहां सियोर वाला महाराज नहीं आया, यहां तुम्हारा विश्वास काम आया, यहां तुम्हारी दृढ़ता काम आई, यहां तुम्हारा भरोसा काम आया। हम तो बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी ठीक है, इसलिए मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। आराम है उसको, हाँ जी याद हिला दो एक बार, हर हर महादेव। ये करुणा बैठी है, ये उदारता, ये करुणा, ये उदारता, ये उसी की, ये इसी होता है।